हेलो किसान भाई, आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग ये सरसों देख रहे हैं, ये किसान भाइयों है 45 या 46, जो कि ये पायनियर कंपनी का है। तो आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है पायनियर 46, जो कि बहुत ही अच्छी कंपनी की जो है सरसों बीज है। इसकी पैदावार के बारे में बात करें किसान भाई, तो इसकी पैदावार बहुत ही अच्छी होती है। मध्यम अधिक होने के कारण यह 120 से 125 दिन में पककर तैयार हो जाता है। और पौधे की ऊंचाई के बारे में बात करें तो पौधे की ऊंचाई 160 से 180 सेंटीमीटर होती है, जो गिरने का कोई संभावना नहीं रहता किसान भाइयों। और पैदावार के बारे में बात करें तो 12 से 14 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन देता है किसान भाइयों। अगर इसमें जो है तेल की मात्रा के बारे में बात करें तो इसमें तेल की मात्रा किसान भाइयों 42% तक होती है, जो कि बहुत ही अच्छी किस्म की वैरायटी होने के साथ साथ किसान इसे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लगाते भी हैं। इसकी रोधक प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी अच्छी होती है। यह वैरायटी सबसे ज़्यादा उत्पादन देने में सक्षम है। इनमें तना गलन की समस्या काफ़ी कम होती है। पौधे में फुटाव शुरुआत से ही काफ़ी अच्छी होती है। और किसान भाई, आप लोग तो वीडियो में देख रहे हैं कितनी अच्छी से जो इसमें फली लगी हुई हैं, जो कि अच्छी पैमाने पर इसमें जो है पैदावार हो सकता है। तो आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसकी छीमी में। किसान भाई, इसकी छीमी में बात करें तो इसकी छीमी में कम से कम 100 से 120 दाने आ जाते हैं, जो अच्छी पैदावार देती हैं। और किसान भाई इसे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लगाते हैं, क्योंकि जो बहुत ही विश्वसनीय बीज है। और आप लोग यहाँ से नीचे से देख सकते हैं इसका पौधा, जो कि बहुत ही मजबूत है, जो कि गिरने का कोई संभावना नहीं है। किसान भाई, ये बहुत ही ज़्यादा वजन हो गया है, इसीलिए जो इस एक दूसरे के ऊपर जो हल्का सा दब गए हैं छीमी, जो कि अच्छी मात्रा में देख सकते हैं आप लोग। किसान भाइयों, अगर जो आप लोग खाद उद बोते हैं लाही में या सरसों में, तो इसे किसान भाइयों आप जो है सल्फर ज़रूर मिलाएं, सल्फर का उपयोग ज़रूर करें, क्योंकि सल्फर का उपयोग करने से तेल की मात्रा बहुत ही अधिक हो जाती है। और जो किसान भाई 45 या 46 पायनियर बीज का सरसों किए हैं, वो अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दें कि पायनियर 46 कितने बढ़िया वैरायटी की है, और अपने अपना राय दीजिए, ताकि सभी किसान भाई लोगों को पता चले इसके बारे में, जो कि अच्छे से अच्छा पैदावार ले सकें। तो किसान भाइयों, ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।